मन का कोई उद्देश्य ध्येय रहता है, गोल्स रहते हैं कि भाई मैं ऐसा करूंगा, और वो एकदम शैटर हो जाता है जब टूट जाता है सपना, तो कितना सदमा बैठता है और आदमी कैसा पागल हो जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो पेशेंट है ये उसका एक मिसाल है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये पेशेंट जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसको सऊदी अरेबिया जाना था और कोई कारण से उसका जो आइडेंटिटी कार्ड जो था, आईडी कार्ड, उसका फ़ोटो और ये खुद ये मैच नहीं हो रहा था। कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसको वीज़ा का प्रॉब्लम आ गया, रिफ्यूज़ कर दिया। और जैसा उसका ये था कि नहीं, मैं वहाँ जाके कोई बड़ा काम करूँगा, बहुत पैसे कमाऊँगा, फिर अपने घर पर लाऊँगा, ऐसा उसका काफ़ी सपना था। और उसको ऐसा लगा कि ये सपना टूट गया और वहाँ से वो एकदम डिस्टर्ब हो गया, डाउन हो गया। और बाद में फिर किससे बातचीत नहीं करना, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, घूमना नहीं, फिरना नहीं, घर में बैठे रहना और सुन बैठे रहना। तो कोई डॉक्टर के पास में गया जहाँ उसका उसको सिर्फ सुलाने की दवाई देते, सुला के रखते थे। तो माँ बाप को भी लगा कि भाई ये सो सो के क्या करेगा। एक्चुअली उसको इतना सदमा बैठ गया कि भाई उसको फ्यूचर उसका डार्क दिखने लगा। एक साल तक ऐसा चल रहा था। अभी हमारे पास में लाए, पिछले 10-12 दिन से हमारे यहाँ एडमिट है। अभी उसको हमने दवाई दिया, शॉक ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि साल भर से उसको दवाई देके भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। शॉक ट्रीटमेंट देने के बाद में भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही फ़र्क पड़ा। और उसके पिताजी भी बहुत खुश है कि अभी नहीं, अभी ये जाके काम कर सकता है करके। देखिए इसका, मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। तो ये है आपके पेशेंट। तो ये बताइए कि ये इनको क्या हो गया था, इनको क्या तकलीफ थी? ये इसने टेंशन ले लिया था दिमाग पे। हाँ, टेंशन लिया था। हाँ, क्या टेंशन लिया था? ये जैसा बाहर देश भेजने का था उसको, सऊदीया, सऊदीया, हाँ, पासपोर्ट बन गया, सब हो गया था। हाँ, हाँ। उस पे से उसने टेंशन ले लिया था। अच्छा, क्या टेंशन लिया था? बतला लिए थे कि भाई दाढ़ी रखी हुई है, हाँ, वहाँ झगड़े चालू है, तुमने यहाँ आतंकवाद भेज रहे क्या? हाँ, हाँ। इस वजह से यानी फोटो में फर्क गिर गया था। हाँ, हाँ। तो बाद में क्या हो गया? बाद में उसने जैसा कैंसल होगा वो, हाँ, तो इसने बोले ही नहीं हमको। हाँ, वो जैसा टेंशन ले लिया था। अच्छा, तो क्या तकलीफ थी फिर? वो तकलीफ बोले तो बस सुन, वो जैसा हाथ पांव लूज गिर गए थे, हाँ, बुखार आ रही थी। उसके बाद में फिर मैंने बरलोडा बतलाया, यवतमाल, हाँ, यवतमाल बतलाया। तो वो जो बतलाया उनका तो सुन के गोलियां दे रहे थे वो। अच्छा, वो 4-6 महीने 7 महीने वही चला, वही चलो था। एक महीने से, मतलब 4-6 महीने से चलो था, एक साल हो गया था। एक साल हो गया। हाँ हाँ। उसके बाद में फिर जैसा अभी क्या करना क्या नहीं, तो फिर मैं देवस्थान पे भी लेके जा रहा हूँ। हाँ हाँ। यानी ये भी दवाखाने भी कर रहा अनु भी। अच्छा, तो फिर अभी अभी कैसे अभी है? हाँ, फायदा बोल अभी कैसे है? हाँ, हाँ? गिर गन अभी अच्छा है। हाँ, अच्छा है। हाँ, अभी कितने दिन हो गए यहाँ आने को? यहाँ 4 तारीख को आया मैं। हाँ हाँ, अभी अच्छा है। हाँ, ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी बातचीत करता है, बराबर रहता है अभी। तो ये है एक्चुअली रिएक्टिव साइकोसिस, और इसमें ये काफ़ी, मतलब बहुत डिस्टर्ब था और अब अच्छा हो गया, ये अपना जीवन अच्छा जी सकता है अभी। ये लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ इलाज हो सकता है, कि भाई लोगों को ऐसा दिमाग में कि शॉक ट्रीटमेंट मतलब बहुत बुरा है, शॉक ट्रीटमेंट से ख़राब हो जाता है, ख़राबी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो कोई पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है दवाइयों को, गोलियों को, तो हमारे पास में शॉक ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट को मालूम ही नहीं होता कि उसको शॉक दिया हुआ है करके। हम क्या करते हैं, उसको एनेस्थेशिया देते हैं, मतलब बेहोश करने की दवाई देते हैं। पेशेंट उसमें होश में रहता नहीं, सो जाता है, और उसमें फिर बाद में एक माइल्ड करंट पास करते हैं ब्रेन से, और एक दिन आड़ वो करंट देने की प्रक्रिया है जिसमें उसको धीरे 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 अच्छा होने लगता है, और वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्लियरली कम्प्लीटली नॉर्मल वो हो जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों के गलत दिमाग में शॉक ट्रीटमेंट गलत फहमी जो है वो दूर हो जाएगी। लोग घर में पेशेंट को रख देते हैं कि नहीं, अभी इसका कुछ होने वाला नहीं है, जिसमें पेशेंट खुदकुशी भी कर सकता है। तो इसका इलाज यदि हो गया तो उनका जीवन वो नॉर्मल जी सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लोग हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन करके अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। काउंसलिंग हम ऑनलाइन करते रहते हैं। लोग हमारे यहाँ पेशेंट लोगों को लाते हैं, एडमिट करते हैं, उनका इलाज कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।